नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। दोस्तों, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग लगातार बार बार इसे जहन्नुम बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं। बार बार उन पर प्रहार किया गया है, बार बार उनको जवाब दिया गया है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। एक बार फिर कश्मीर में आतंक का जो फन है वो निकलकर सामने आने लगा है, मंडराने लगा है। ये देश को डसने की बार बार कोशिश करते, इनके मंसूबे जो हैं वो सबको पता है, ये लोग भी वाकिफ हैं। इनकी आखिरी मंजिल क्या है ये बार बार भारतीय सेना इनको बताती रही है, दिखाती रही है, इनको मिलवाती भी रही है, लेकिन ये लोग ना रुकते हैं ना ठहरते हैं। इनके मंसूबों पर चोट करने का वक्त आ गया है, आखिरी प्रहार का वक्त आ गया है, इनको आखिरी दफा जवाब देने का वक्त आ गया है। दोस्तों, आज से 3 साल पहले एक कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से कि इनको एक मौका दिया जाए। बहुत सारी पॉलिटिक्स को रोकने के लिए एक ऐसी कोशिश की गई थी कि कश्मीर को फिर से एक खुशहाल जीवन दिया जाए, एक ऐसा राज्य कश्मीर को बना दिया जाए, पूरे जम्मू कश्मीर को, जो बाकी अन्य राज्यों जैसा ही, जहां आने जाने पर मनाही ना हो, जहां पर जैसे अन्य राज्यों में लोग रहते हैं वैसे ही वहां पर रहें, ताकि उन लोगों पर चोट की जा सके जो रहते तो भारत में हैं, खाते तो भारत का लेकिन गाते पाकिस्तान। ऐसे ही प्रो पाकिस्तान लोगों को बार बार इंडियन आर्मी जवाब देती रही है, दो टूक जवाब दिया गया है। ये लोग जहां पहुंचाए जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं, और इंडियन आर्मी इनका रास्ता और आसान करती है, जल्द ही इन्हें मंजिल से मिलाती है। दोस्तों, जो लोग ये तरीके की चीजें करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, इस पर राजनीति करते हैं, कभी ये सोचने की कोशिश की कि उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड में, विदेशी बड़े बड़े नामचीन कॉलेजों में। लेकिन यही लोग प्रो पाकिस्तानी, यही लॉबी कश्मीर के लोगों के हाथ में पत्थर पकड़ाती है, उन्हें आतंक का रास्ता दिखाती है और उनके जरिए साजिशें करती है, भारत को कमजोर कर, भारत को तोड़ने की, भारत के टुकड़े कर। इन लोगों को पूरी तरह से निस्तनाबूद करने का वक्त है। एक बार मौका दिया गया, एक बार इनको समझाया गया, सरकार की तरफ से कोशिशें की गई, लेकिन दोस्तों ये लोग ना तो मानते हैं ना रुकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का खाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आका इनको ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, और ये वही सब कुछ करते हैं। आज की मेरी चर्चा का जो विषय है, जो संरचना है, वो क्या कुछ है जिस पर हम चर्चा करेंगे, मेरे साथ मेहमान भी काफी जुड़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा एक कहानी नुमा पैकेज बनाया गया है, उस पैकेज को बड़ा देखिएगा और फिर आपके चर्चा को शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियां एक बार फिर से चरम पर है। आतंकियों के आका यानी पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का लगातार लोगों को मारने का क्रम जारी है। घाटी में गैर मुस्लिमों पर बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए जहां एक ओर डर का माहौल बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पूरे देश के लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है। घाटी में पाकिस्तान की नाजायज औलादों का उत्पाद इतना बढ़ गया है कि आतंकियों ने अब हिंदू और सिखों को टारगेट करके मारना शुरू कर दिया है। 2019 में 370 की हटने के बाद करीब एक साल तक चीजें ठीक थी, लेकिन बीते 2 साल से लगातार आतंकी गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। लोगों में खौफ भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये उनका खौफ ही है कि एक बार फिर से कश्मीरी पंडित और सिख समुदाय के लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही आतंकियों ने श्रीनगर में 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक ये बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि के माहौल को बाधित करने के लिए और अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान हाइब्रिड आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहा है।
कल भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि अलग अलग इलाकों में आतंकी छिपे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, गोलीबारी हुई जिसमें 5 जवानों की शहादत हो गई। जहां एक तरफ सेंट्रल और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार लोगों को माइग्रेट कराने पर विचार विमर्श कर रही थी, तो वहीं बढ़ते हुए आतंक के चलते लोगों ने एक बार फिर से पलायन करना शुरू कर दिया। टीचर्स और कारोबारियों पर हो रहे हमलों के चलते सिख और कश्मीरी पंडित सहित सभी दहशत में आ गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जम्मू से लौटने लगे हैं। आतंकी संगठन जम्मू संभाग में पुराने आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में दोबारा आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिशों में है। किश्तवाड़, डोडा, रामबन के बाद अब राजौरी और पुंछ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि जम्मू संभाग में इस तरह की वारदातें कर माहौल खराब किया जा सके। पिछले एक महीने में राजौरी जिले में सेना का 3 बार आतंकियों से सामना हो चुका है, जबकि एक बार आतंकियों ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर ग्रेनेड से हमला भी किया था। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI एक एक करके जम्मू संभाग के उन जिलों में दोबारा आतंक फैलाना चाहती है जहां 1990 के दशक में आतंकवाद चरम पर हुआ करता था। किश्तवाड़, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी और पुंछ जिले में 1990 के दशक में आतंकवाद अपने चरम पर था। इन इलाकों में अब शांति है, लेकिन पहले किश्तवाड़ और रामबन में आतंकी वारदातें शुरू हुई। पहले 2018 से 2019 तक किश्तवाड़ में बीजेपी और RSS नेताओं की हत्या करके माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, और फिर आतंकियों ने पुलिस कर्मियों की भी हत्या की, और अब राजौरी में भी ऐसा किया जा रहा है। राजौरी के थन्ना मंडी में 2 बार आतंकियों की सेना की मुठभेड़ भी हो चुकी है। रविवार को भी सेना की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। सूत्रों का कहना है कि राजौरी जिले की LOC से ISI ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराकर हमले करवाना चाहती है, ताकि जिले में एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर माहौल खराब किया जा सके। साथ ही राजौरी के पुराने रूट से आतंकियों को कश्मीर तक पहुंचाया जाए। यही कारण है कि अधिक से अधिक आतंकियों की घुसपैठ जम्मू कश्मीर में करवाई जा रही है, लेकिन भारत सरकार और देश की सेना पूरी तरह से तत्पर है इन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ठीक है, तो बातचीत हो गई, अब इस पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, वकार भट्टी साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये कश्मीर से जुड़े हैं। अमृत लाल साहब हैं, ये रक्षा विशेषज्ञ हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। ठीक है, तो वकार भट्टी साहब, मेरा, आपका और 135 करोड़ लोगों का जो कश्मीर है, इसको कब तक बर्बाद करने की साजिश जो है वो चलती रहेगी? सॉरी, कश्मीर किसका है? मेरा है, आपका है, 135 करोड़ भारतीयों का है, इसको बर्बाद करने की जो आपकी साजिश है वो कब तक चलती रहेगी? 1,35,00,000 लोगों का कश्मीर है, 1,35,00,000 लोगों का कश्मीर है, 135 करोड़ का कश्मीर नहीं है। ओके, पहले इस चीज को संभालिए। ठीक है, बोलते अब मैं आगे की बात रखूंगा। अब क्या पूछना चाहते हैं, अभी पूछिए। मैं कह रहा हूँ, ये जो साजिश है बर्बाद करने की कश्मीर को, ये कब तक चलती रहेगी? कब तक आप जन्नत को जानू बनाने की जो कुछ चल रहा है वहां पर करते रहेंगे? ये आपको पूछना है, कौन कर रहा है? मैं जहन्नम बना रहा हूँ या मोदी जी ने बनाया, अमित शाह ने बनाया? जी सर, आपने खत्म किया और आपने सपने दिखाए थे ना हिंदुस्तानियों को, ये स्वर्ग आएगा, इंडस्ट्रियां होंगी, रोजगार होगा। जन्म तो आपने बना रखा है। नहीं, अमृत लाल सर, आप करा हुआ, पहले बोल लेने दीजिए, फिर डिबेट को खोलते हैं, एक मिनट रुकिएगा जी। आप बात जन्नत है तो वो कश्मीर है, आप लोगों ने उसको
आप लोगों ने जहन्नम बना रखा है, मोदी जी ने तो सुधारा है, शाह साहब ने सुधारा है। यू पीपल आर थैंकलेस पीपल। नहीं रुकिए, अमृत सर आप रुकिएगा, वकार जी को बोल रहे, वकार जी बोलिए, ठीक है, लोग आदमी रिस्पेक्ट का बोलने दीजिए मुझे, ठीक है ना, आप बोलिएगा मेरे बात। हाँ बोलिए, आप बोलिए, नहीं आया हूँ यहाँ, ठीक है। जहाँ तक पहली बात सुनिए जनाब, कल जो 5 आर्मी के जवान मारे गए ना, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में मारे गए हैं, रजौरी में। रजौरी का नाम दे रहे थे ना, रजौरी मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तीर पंजा रजौरी में। तो वो जो लोग मारे गए हैं, वो सवाल आपको किसको पूछना है? होम मिनिस्टर को पूछना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूछना ज्यादा मुनासिब समझोगे या मुझसे? क्योंकि मैं तो सरकार में नहीं हूँ। नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, उधर तक आपका स्तर नहीं है, उस स्तर की मैं बात ही नहीं करूंगा। भारतीय सेना के बारे में कहने सुनने का आपका स्तर नहीं है, वहां की बात नहीं करूंगा मैं, आतंक की बात करूंगा। जहां तक आपका स्तर है तो उस स्तर की बातें करेंगे। ये बताइए, जो आतंक जो पनप रहा है, नहीं नहीं, ये आतंक पर बात करेंगे, आतंक जो पनप रहा है, जो आपका जिनसे भाईचारा है, उठना बैठना चाय नुक्कड़ की बातें होती हैं, ये जो आतंक पनप रहा है, ये कश्मीर को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है? दूध बना देता हूँ, आप आइए ना, दूध पिलाऊंगा आपको। आपने कैसे बोला मैं चाय पीता हूँ? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझिए आपको फिर। हाँ ठीक है, ये बताइए, ये जो पैर पसार रहे हैं, ये जो पैर पसार रहे हैं, ये जो आतंक पैर पसार रहा है, ये किस हद तक कश्मीर को नुकसान पहुंचा रहा है? जब आप कश्मीरियत की बात करते हैं, हुर्रियत की बात करते हैं, ये किस हद तक कश्मीर को बर्बाद कर रहा है, आपको पता है, अंदाजा है? कश्मीर को दिल्ली वाले बर्बाद करते हैं, कश्मीर को थोड़े बर्बाद करेंगे। कोई भी जम्मू कश्मीर का नागरिक अपने अपने दिल्ली वालों को सुधारा है, वकार साहब, बात तो आप लोग कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, वकार जी बोलिए जी। बर्बाद वो लोग करते हैं जो सत्ता में होते हैं, हम लोग सत्ता में थोड़ी है, जब सत्ता में आएंगे हमसे सवाल पूछिएगा। सत्ता में नहीं है इसलिए बंदूक चलाते हैं, सत्ता में नहीं है इसलिए पत्थर चलाते हैं। आपको रात को सपना आया होगा मैंने बंदूक चलाई, अभी तक नहीं, सपना नहीं आया, ये बताइए, सत्ता में नहीं है इसलिए बंदूक चलाते हैं, इसलिए पत्थर चलाते हैं, इसलिए आतंक का सहारा? अभी मेरे पास बंदूक नहीं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जिनका समर्थन कर रहे हैं, अगर आपके पास बंदूक है तो बताइएगा, ठीक है, आप जिनका समर्थन कर रहे हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि जो लोग कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं, कश्मीरियत को बर्बाद कर रहे हैं, आप यूपी से लाए हैं ना मेरे साथ, ठीक है जी, ना यूपी से, तो यूपी में जो गाय के मुसलमानों को आतंकवादी मारते हैं ना, उनसे सवाल पूछिएगा, जो लंच हाथ के नहीं नहीं, कश्मीर नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश की चिंता मत करिए आप, उत्तर प्रदेश में चुन चुन कर पकड़े जाते हैं, उत्तर प्रदेश की चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश में चुन चुन कर पकड़े जाते हैं, और अशरफ आज ही एक पकड़ा गया, ये आतंकी जो साजिश करते हैं, इन्हें चुन चुन कर पकड़ा जाता है, इनके खिलाफ जो हो रहा है वो होता है। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ अभी, अच्छा ठीक है, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर में जो आप जैसे, कश्मीर में आप जैसे जो नौजवान हैं, जो भटके हुए हैं, जो प्रो पाकिस्तानी हैं, मैं भटका नहीं हूँ, ठीक है सर, आप भटके हुए हैं, ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो प्रो पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, जो भारत को बर्बाद करने के सपने देखते हैं आपकी तरह, जो खाते यहाँ का है, गाते वहां का है, बजाते वहां का है, तो ऐसे लोगों को किस तरीके से रोका जाए? जब पैलेट गन पड़ती है, जब गोलियां पड़ती हैं, तब तो आप मानवाधिकार का रोना शुरू कर देते हैं, तो कैसे रोका जाएगा आपको भाई? पहली बात सुनिए ना, सर आपकी गलत फहमी है कि मैं आपका खाता हूँ, अपने जम्मू कश्मीर का खाता हूँ, मैं अपने भारत का खाते हैं, ठीक है, भारत देश का खाते हैं, देश प्रेम सीखिए, ठीक है, कौन भारत, किसको, मैं जम्मू कश्मीर से प्रेम करता हूँ, जम्मू कश्मीरी हूँ, कश्मीर भारत का पार्ट है, शायद आपको सामान्य ज्ञान नहीं है, शायद आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई, सामान्य ज्ञान नहीं है, जो कश्मीर है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, सामान्य ज्ञान की कमी मालूम पड़ती है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है, चलिए अमृतसर पर आता हूँ, नहीं नहीं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, सामान्य ज्ञान की कमी हो जाती है, करंट अफेयर्स की कमी हो जाती है, आप पे नहीं है शायद, चलिए ठीक है, नहीं सामान्य ज्ञान, शिक्षा की कमी होती है, शिक्षा का अभाव होता है, लेकिन इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई नाराज होने की बात नहीं है, कोई गुस्सा करने की बात नहीं है, ठीक है, नहीं मुस्कुराते चेहरे घाव गहरे, मुस्कुराइए मत, अमृत सर पे आता हूँ, ठीक है, रुकिए, आपके जो चेहरे के पीछे जो आप की आंखों में जो आंसू है वो मैं पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, ठीक है, अमृत सर पर आऊंगा, ठीक है, आप रुकिए, आप कह दीजिए, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री 1947 से पहले पढ़िएगा, ठीक है, ठीक है, आपसे ज्यादा पढ़ रही है अमृतसर, ठीक है, अब बकार रुक जाइए, बकार रुक जाइए, बकार रुक जाइए, जम्मू कश्मीर, ठीक है, अब अमृतसर आप नहीं हुए थे, ठीक है अमृतसर, क्या आपको बताएंगे अमृतसर, अमृतसर सवाल लीजिए, जितनी हमने हमें पढ़ी है ना जम्मू कश्मीर की, ठीक है अमृतसर, ठीक है अमृतसर, मेरा सवाल जानते हैं हम,
ठीक है अमृत सर सवाल ले लीजिए सर, आप डिबेट आ जाए, आप दादे पहले मैं आज नहीं आया भाई साहब, मैं आज नहीं आया, मैं सदियों से आ रहा हूं, है ना, जबान सवाल के बात करिएगा, जबान सवाल के बात करिएगा, आप जो बकवास कर रहे हैं ना, नहीं रुकिए वकार साहब, वकार साहब बकवास तो बंद, वकार साहब रुकिए, आपका इलाज होगा सही से, रुकिए आपको कोई, अमृत जी नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, अमृत सर आप आइए, ठीक है अमृत सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कश्मीर में जिस तरीके से जो इस्लामिक आतंकवाद कहूंगा, ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, ये जो कट्टरवाद है, ये जो आतंकवाद है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, इसको रोका कैसे जाएगा? क्या आपने क्या कहा? यूपी में कोई आतंकवाद नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है हिंदुस्तान के बारे में? जी अनिल अमृत सर, मैं आपसे क्या जानना चाह रहा था, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं एक बार तो फिर पैर पसार रहे हैं, आतंकवाद है तो कश्मीर में है और कहीं पर नहीं है हिंदुस्तान में, सब लोग आराम से, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, दोनों लोग रुकिए, अमृत सर आप जवाब, आप सवाल लीजिए, सवाल के साथ जवाब दीजिए। तो अमृत सर मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जिस कट्टरवाद को, जो जिस इस्लामिक जहर को, जिस आतंकवाद को यहाँ रोकने की तमाम कोशिशें की गई सरकार की तरफ से भी, अब आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से पैर पसार रही है, एक बार फिर से आतंक अपना फन उठा रहा है, इसको अब किस तरीके से आखिरी प्रहार की जरूरत है, कैसे करेंगे? जंग करने पाकिस्तान के साथ, नहीं आप मत बोलिए, आप तो ऐसे लोग हैं बकार, जैसे ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, नहीं दे यार पाकिस्तानी लेबरर्स कर दीजिए, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ये सारे वहां बैठे हुए ओवरग्राउंड वर्कर्स जी, अभी इन्होंने सब ट्राई कर लिया, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करके देख लिया, सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस पे करके देख लिया, अब फिर इन्होंने सिविलियंस को मार के देख लिया, अभी ये टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, ये तो बुजदिली की बात है कि एक बंदा पिस्टल लेके जाए और पुलिस के इंस्पेक्टर को पीछे खोपड़ी में गोली मार दे, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, और इसको भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे, थोड़ी समय की बात है, अभी आपने जो 5-6 किलिंग की है पिछले दिनों में, उन सबको कल तक सबको वहां पहुंचा दिया गया जन्नम में, वो जो जहां पे उनको 72 हुरे मिलेंगी जाकर, नहीं 72 हुरों का प्रेम इनको अक्सर उसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर देता है, ठीक है। वकार भट्टी साहब ये बताइए कि आपको किस तरीके से ब्रेन वॉश की प्रक्रिया क्या है, आपको कैसे ये चीजें पढ़ाई जाती हैं कि जम्मू कश्मीर, आपको क्यों समझ में आती है चीजें, इनको पढ़ाई जाती है जाकर मदरसों के अंदर, शुरू से ये लोग मदरसों के पढ़े हुए लोग हैं, इनको वहां पर सारा दिन जो मौलवी लोग हैं इनको यही ब्रेन वॉश करते हैं सारा दिन, नहीं दिखते अच्छे खासे हैं, भगवान ने अकल भी दी है, अच्छे खासे दिखते हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद ये कौन सी किताब है आप जो पढ़ लेते हैं जो इस तरीके से भटकी हुई बातें करने लगते हैं? जी भट्टी, अरे सुनो, अरे मेरी जान सुनो, अरे भट्टी मेरे चाचा को भी चुप करा, मेरी थोड़ी सुनो, बोलो भट्टी जी, भट्टी जी बोलिए, मैं अभी आपको भाई जान बोल रहा हूँ ना, भट्टी जी बोलिए, ठीक है, जी बोलूंगा या क्या बोलूंगा वो मेरा खुद का निर्णय, आप बोलिए जी, नहीं नहीं मेरा भी निर्णय खुद कर दो, फिर मैं डिबेट का इसमें बोलिए, आप क्या तुम पे आएंगे, आप पत्थर चलाने वाले लोग हैं, आप देश के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, आपको तो जितना ज्यादा सुनिए जी, देश के खिलाफ आप लोग हैं, आप कर रहे हैं भारत को बर्बाद, आप लोग कर रहे हैं, आप लोग हिंदूवादी सरकार को बना के आज पूरे देश को खत्म कर चुके हैं, हिंदू तो है यहाँ पर मासूम है, अरे अमृत जी रुकिए, आप मासूम है, मासूम है, मासूमियत की बातें कर रहा है, ठीक है बोलिए भट्टी, सुनिए, गाय के मूत के लिए एक मुसलमान की जान लेने वाले मुझे मत सिखाए के इंसानियत क्या होती है, मैं जानता हूँ किसी ने गाय के मूत्र के लिए किसी ने मुसलमान की जान नहीं ली, मुसलमान जान लेते हैं हिंदुओं की, हिंदुओं ने मुसलमान की जान नहीं ली कभी, आपका भी है, आतंकी जो घटनाएं होती है उसमें आप लोग भी जद में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं की हत्या होती है, आप लोग भी उसकी जद में आते हैं, आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज को किसने मारा, अयूब पंडित को किसने मारा, इन लोगों को कौन मार रहा है, सुनिए ना, हाँ सुनाइए, यहाँ ये जो हालात है ना जम्मू कश्मीर के, अगर आपके दर्शक सुन रहे होंगे तो उनको भी समझ आएगी, क्योंकि मैं कश्मीर से बैठा हूँ, श्रीनगर राजधानी से बैठा हूँ, यहाँ के जो हालात है ना जम्मू कश्मीर के, ये हालात जो बने हैं ना, एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाऊंगा, जम्मू कश्मीर की सियासी जमाते हों या भारत की सियासी जमाते हों या पाकिस्तान की सियासी जमाते हों, हर इंसान का इन्वॉल्वमेंट है जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने में, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हर एक ने बिजनेस बना के रखा है,
जम्मू कश्मीर एक तजारत है, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स कम होती है, बिजनेस के लिए ज्यादा यहाँ लोग आते हैं। सबको पता है आप, कि जम्मू कश्मीर के आप, सत्ता अच्छा, बनती भी है, सत्ता बिगड़ती भी है। ठीक है, आप वो लोग हैं जिनके साथ ट्रेडिंग की जाती है, आप बिजनेस के काम आते हैं, पाकिस्तान के बिजनेस के काम आते हैं। आप पाकिस्तान के बिजनेस के काम बैठी हूँ सर, आप पाकिस्तान के बिजनेस के काम आते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं, धड़कन हूँ मैं, देख लीजिएगा सोशल मीडिया में जाके सर। नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग, आप वो चीज बात मत करिए, भारत का जो जम्मू कश्मीर है उसके लोग आईएसपी बनते हैं, उसके लोग पीसीएस भी बनते हैं, उसके लोग इंडियन आर्मी में भी जाते हैं, बड़े पदों पर भी जाते हैं, लेकिन जो प्रो पाकिस्तानी है वो सिर्फ ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे वन टू वन। मैं ना पाकिस्तानी हूँ, ना मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। आप कहीं नहीं, आप बीच के हैं, रुकिए आप, आप कहीं नहीं रहे। वकार साहब, कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, आपको शर्म क्यों आती है अपने आप को हिंदुस्तानी बोलने में? शर्म तो पाकिस्तान का भी आता है। रुकिए, आप कैसे लोगों को, मैंने नहीं बोला, सुनिए 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 सुनिए, मैं दिल्ली का हूं। आप बोले मैं दिल्ली वाला नहीं हूं, इसका क्या मतलब है? दिल्ली वाले होने के, हम भी कोई दिल्ली वाले नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, उसमें प्राइड लेते हैं। ठीक है, आप भी अगर आपको ये क्लियर होना चाहिए, एक चीज समझिएगा, दिल्ली है, दिल्ली है तभी आप सेफ हैं, दिल्ली है तभी आप सुरक्षित हैं, दिल्ली है तभी आप जी पा रहे हैं, उंगली नीचे, दिल्ली है जब फ्लड आते हैं ना तो पाकिस्तान नहीं आता है, ये भारत का अंग है। इसलिए आप दोनों ने सवाल पूछा तो मुझे जवाब देने दीजिए ना, आप उंगली मत दिखाइए, चार उंगलियां पाकिस्तान को दिखा रहे हैं आप, उंगली मत दिखाइए, उंगली नीचे करिए, सुनिए ना सर, उंगली नीचे कीजिए, उंगली अपने लीजिए, अरे बंदूक नहीं है मेरे भाई, उंगली है, उंगली नीचे करिए, उंगली को नीचे कीजिए, प्रैक्टिस करते हैं ट्रिगर दबाने की, वो करते रहिए, उंगली नीचे करिए अभी फिलहाल, उंगली से मत डरिएगा, उंगली से ना डरिएगा, कोई बात नहीं, गंदगी नहीं है, कोई गंद नहीं है, मेरी पहचान है, सबसे पहले हूँ मैं मुसलमान, अल्लाह को एक, अल्लाह को एक, रब्बुल आलमीन को मानने वाला, सुनिए ना, सबसे बड़ी खराबी यही है, सुनिए ना, सबसे पहले देश होता है साहब, देश अगर देश नहीं है तो मुसलमान हिंदू कोई नहीं है, सबसे पहले देश आता है, यही तो आप में खराबी है, सब में ये आपके अंदर खराबी है, ये आप में बेसिक फॉल्ट है। अरे अमृत जी रुक जाइए, बोलने दीजिए, आप मेरी बात भी सुन लीजिए, आपका जो स्टार्ट ही करते हैं, आपका स्टार्ट करना गलत है। अरे रुकिए अमृत जी, रुकिए वकार, आप बोलिए अमृत जी, रुकिए अमृत जी, रुकिए, बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए, वकार आप बोलिए, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अंदर जाके, कि हम पहले पहले मुस्लिम को क्यों लाते हैं, पहले देश होता था, देश को बोलो चाय दो, वकार साहब, अरे ठीक है अमृत जी, आप रुकिए, आपका जब वक्त आएगा तब बोलिएगा, देश होगा हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, सिख होगा, अगर देश ही नहीं है तो आप मुस्लिम कहते रहो बेशक। ठीक है वकार, पहले चाचा सुनिए तो सही, पहले आता साहब, यही यही आपके अंदर यही कमी है, यही कमी है, इसलिए आप पत्थर मारते रहते हो हम लोगों के ऊपर, इसलिए उनके पाकिस्तान के लोग आते हो। अगर चाचा आपके लिए देश पहले होता रहा तो फिर जितना जितना आपने कश्मीर के लिए हिंदुस्तान ने किया है शुरू से, और ये बताना चाहता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, कश्मीर एक अटूट अंग है हिंदुस्तान का, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मत बोलिए मैं मुस्लिम हूँ या मैं कश्मीरी हूँ, इन चीजों से निकल जाइए तो बेहतर होगा, नहीं तो समय के सामने आप भी बदली होंगे। जवाब सुनोगे, जवाब सुनोगे, अच्छा सुनिए ना, इतनी उम्र हो गई आपकी, आपका जवाब भी तो सुन रहा हूँ इतनी देर से, चाची ने कैसे आपके साथ दिन गुजारे होंगे, सुनिए तो सही। अरे आप पर्सनल मत करिए इसको, वकार पर्सनल मत करिए बिल्कुल, चुप रहिए, ठीक है, आप बोलिए, चुप रहिए, चुप रहिए इनको, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मैंने पहले ही बोला, आपने बोला कि थोड़ा तमीज से बोलिए, अगर आपने इस डिबेट पे हिस्सा लेना तमीज से बोलिए, नहीं तो ये डिबेट छोड़ के जाइए। ठीक है रुकिए, चलिए रुकिए, अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अमृत जी से, ठीक है एक मिनट रुकिए, मैं पहले एक बात करूं, ठीक है अमृत जी रुकिए, अमृत जी रुकिए, अमृत जी रुकिए, अरे अमृत जी रुकिए, अमृत जी हाथ जोड़ के निवेदन है, रुकिए देखिए मैं आपको बता दूं कि एक बहस का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, एक से सवाल है तो एक का ही जवाब जाना चाहिए, जब आपको आपस में चर्चा करनी होगी तो डिबेट खोल दी जाएगी। एक और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, वैभव अग्रवाल साहब है, प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। ठीक है तो वैभव जी बीजेपी के प्रवक्ता है, वैभव साहब आपको बता दूं कि आपकी बाजू वाली खिड़की में जो बैठे हैं बकार भट्टी साहब है, ये सोशल एक्टिविस्ट है कश्मीर से जुड़ रहे हैं, अमृत लाल साहब है रक्षा विशेषज्ञ है। ठीक है आप तीनों लोग अब सर, मैं अमृत लाल नहीं बता रहा हूं, मैं अमृत कपूर हूं, ब्रिगेडियर अमृत कपूर, ठीक है, ठीक है
ठीक है ब्रिगेडियर साहब, चौथी बारी आपने कर दिया ये, ठीक है मैं माफी चाहूंगा, टीम की तरफ से हुआ होगा ब्रिगेडियर साहब। ठीक है, तो वैभव अग्रवाल साहब मैं चर्चा इस विषय पर कर रहा था कि बीते कुछ समय से देख रहे हैं कि आतंक जो है एक बार फिर से अपने जो फन है वो उठाने लगा है, तो ये जो फन उठा रहा है इसको कुचलने के लिए तो भरपूर कोशिश की गई। ठीक है, जब 370 हटाई गई तब भी कहा गया कि अब आतंक का खात्मे का वक्त आ चुका है, ये आखिरी प्रहार है, लेकिन ये आतंक तो आज भी वैसा ही जारी नजर आता है, क्या है ये अग्रवाल साहब? देखिए नमस्कार, ऐसा है ना कि ये आतंक नहीं है, ये डराने की साजिश है। जब कोई एक डॉन की कुर्सी कैसे चलती है समाज में, क्योंकि वो सबको डरा के रखता है, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो मेरे पास बंदूक है, चलाना नहीं जानता है, तो ये क्या है, ये आवाम को डराने की एक साजिश है कि देखो आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये लाके दूंगा वो लाके दूंगा, तो ये क्या हवाबाजी है। भारत सरकार ने क्या किया, हिंदुस्तान सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया, तुम हमारे दो मारोगे हम चार मारेंगे, ठीक है पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, आवाम को ये दिखने लगा हमने काम की जो गति है वो रुकने नहीं दी, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल सीन पे कनेक्टिविटी हो, जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो ठीक है अग्रवाल साहब, वो विकास की विकास के अलग, ठीक है वो अलग मुद्दे हैं, लेकिन अग्रवाल साहब आप देखेंगे कि पांच हिंदू और सिखों की जो हत्या की गई उसके बाद पांच जो हमारे जवान शहीद हो गए, तो ये सब कुछ तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो ठीक नहीं नजर आते। जो टूरिज्म जो एक बार फिर से फ्लरिश करने लगा था, कश्मीर लोग जाने लगे थे, बकायदा टिकटें बुक करा रहे थे, अब आपको नहीं लगता कि ये डर का माहौल जो ये लोग बनाना चाहते हैं, ये प्रो पाकिस्तानी लोग, तो इनके मंसूबे कहीं कामयाब होते नजर नहीं आते आपको? भाई साहब बहुत टेम्परेरी फेज है जिंदगी में, उतार चढ़ाव आते ही आते हैं, आपकी और मेरी पर्सनल जिंदगी में जिसमें 3-4-5-6-7 जने ही हैं उसमें ही उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये तो पूरा प्रदेश का मुद्दा है। और इसके अंदर भारत, देखिए भारत में क्या है ना, 31 प्रदेश हैं और जिसमें यूटी और स्टेट भी इंक्लूडेड हैं, और भारत अपने आप में कई देशों का समावेश है। आप 100 मीटर की दूरी पे जाएंगे आपको एक और नई भाषा मिल जाएगी, आप 200 मीटर पे जाएंगे नया खाना मिल जाएगा, 300 मीटर पे जाएंगे नए बात करने का तरीका मिल जाएगा, 400 मीटर पे जाएंगे सोने का नया तरीका मिल जाएगा। तो क्या है कि इसके कुछ और किलोमीटर आगे जाएंगे तो वकार जैसे लोग भी मिल जाएंगे। हाँ ठीक है बोलिए। हाँ कोई बात नहीं, वकार समाज है उस पे भी आएंगे, अगर वकार जी मेरे पे इनायत रखेंगे तो वो मेरी बात पे कटाक्ष जरूर करेंगे, और कटाक्ष करेंगे तो वो ऐसा नलका खोलेंगे कि फिर वो खड़े नहीं हो पाएंगे मेरी बात के सामने, तो कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं देश के खिलाफ नहीं सोचता। वकार भाई मैं एक बात आपको बताऊं, मैं मछली बाजार में काम नहीं करता, तो मैं अगर बोल रहा हूँ ना तो आपको इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हाँ, कि आप मैं भी मिला गया वकार साहब, रुकिए चलिए अग्रवाल जी बोलिए। मैं भी हल्का सा ही करता हूँ, तो मैंने उंगली हिलाई आप खेल के, आपने सोचा कि बोटे साबन है, बड़ी समस्या है वकार जी आपके साथ, या तो आप भाई साहब या तो आप उनको म्यूट कर दें। नहीं नहीं आप अग्रवाल जी आप बोलिए, अग्रवाल साहब आप बोलिए, नहीं अग्रवाल साहब आप बोलिए, अग्रवाल ना नाराज मत होइए, अग्रवाल लोग नाराज नहीं होते, अग्रवाल जी नाराज मत होइए ना, नाराज मत होइए। अग्रवाल ऐसा करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान बंद हो जाता है, अग्रवाल नाराज मत होइए, ध्यान रखिए हम कलम के बवाल करते हैं, अग्रवाल कपड़े का बवाल नहीं करते, है ना? हां हां पता है मुझे अग्रवालों के बारे में, जानता हूं, ठीक है। आई एम सॉरी, आई विल नॉट टेक पार्ट ऑफ दिस डिबेट, मैं ऐसे घटिया लोगों के साथ। अरे अग्रवाल साहब आप तो आते ही जाने की बातें करते रहते हैं, आ नहीं पाते सही से जाने पहले लगता है। अग्रवाल साहब आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, चर्चा ऐसे ही होती है, चर्चा ऐसे ही होती है, आप अपनी बात रखिए। आप नहीं सिखाएंगे मेरे को, 15 साल हो गए मेरे को राजनीति में, आप कल के लड़के हैं, एंकर बने हैं, आप नहीं सिखाएंगे मेरे को चर्चा कैसे होती है? ठीक है तो फिर आप बता दीजिए कैसे चर्चा होती है, आप बताइए कैसे चर्चा होती है। चलिए ठीक है, इनका तो हाजमा ही खराब लगा। वकार भट्टी साहब, अमृत साहब, ठीक है तो अमृत साहब आप पर ही चर्चा रखते हैं, ठीक है अमृत साहब ये बताइए
कि अब हालात कैसे सुधरेंगे, हालात को सुधारने के लिए कौन सी सरकार को अब जो कोशिश है वो करनी चाहिए, आप रक्षा के लिहाज से इसको किस नजर से देखते हैं और क्या कुछ कोशिशें अब सरकार को करनी चाहिए? देखिए, कोई भी ये जो सिचुएशन है ये कोई इतनी खराब सिचुएशन नहीं है कि जो आप इतनी पोर्ट्रे कर रहे हैं, मेरी पहली चीज, ठीक है। ये ऐसे सिचुएशन के अंदर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो और साथ में आपको पता है कि इसके अंदर जो मेन जो रोल है वो पाकिस्तान का है, आईएसआई का है, और अभी जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की रजीम आई है, उसके बाद में यहाँ पर आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको इनको उनको दिया एनकरेजमेंट दिया गया है, और पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही इसके अंदर है कि यहाँ पर किसी तरह से कश्मीर इशू को अलाइव रखे। कश्मीर इशू काफी हद तक 370 को हटने के बाद में काफी यहाँ पर सुधार आ रहा था इस प्रदेश के अंदर, और आने वाले समय के अंदर और भी बहुत कुछ आएगा। ये एक टेम्परेरी फेज होता है, इन्होंने सब ट्राई कर लिए, इन्होंने अभी ये टारगेटेड किलिंग की है, ये भी जैसे इन्होंने हमारे 7 बंदे मारे हैं, उसमें बड़े बड़े वरिष्ठ लोग मारे हैं, केमिस्ट जो हैं पिछले 30 साल से कश्मीरी है वहां पर रह रहे हैं, उनको उन्होंने मारा है, फिर जाकर चुन के स्कूल के अंदर, मतलब ऐसी नीच कार्रवाई, स्कूल के अंदर जाके एक लेडी प्रिंसिपल है जो कि एजुकेशन दे रही है इनके बच्चों को, उसको जाके गोली मारी है, और वो एक दीपक जो कि कश्मीरी वो भी है, कश्मीरी है वो, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं बोलता हूँ, उसको जाके इन्होंने जाकर उन सबको उनकी आइडेंटिटी पूछी, उनको जाके पूछा कौन 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 मुस्लिम है कौन हिंदू है। कोई ऐसे ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, सारी दुनिया इसके अगेंस्ट हो जाएगी, इनको ये नहीं पता कि अगर ये इस तरह की कोई टारगेटेड किलिंग करेंगे ज्यादा देर नहीं चलेगी, और हमने ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, सिर्फ 5 दिन के अंदर इनके जितने भी 5 लोगों ने जहां जहां वो गोलगप्पे वाले को मारा, बिहार से आ रखा है, आपकी सेवा कर रहा है वहां पर, आप एक गरीब आदमी को जाके मारे, बहुत बहादुरी है इसके अंदर, निहत्तम को मार रहे हैं जाकर स्कूल के अंदर, आप प्रिंसिपल को जाके लेडी प्रिंसिपल को मार रहे हैं, टीचर को एक मार रहे हैं निहत्तों को, ये बहुत बहादुरी की बात है, ठीक है, लेकिन इनको ये सब चीजें इनके और अगेंस्ट जाएगी, ये आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। और बाकी कोई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप इस पे पोर्ट्रे कर रहे हैं, इतनी सिचुएशन कोई खराब नहीं है, ठीक है, नहीं मैं ये जानना चाहता था, जब ये जानना चाहता था, किसी जगह में भी आतंकवादी कार्रवाइयां होती हैं, किसी जगह में भी रेडिकलाइजेशन होता है, एक्सट्रीमिज्म होता है, टेररिज्म होता है, ये चीजें होती रहती है, ठीक है, मैं ये जानना चाहता था, मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, मैं वकार साहब आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने कश्मीर के अंदर 15 साल सर्व किया है सब, ठीक है, ये कंपनी कमांडर मेजर से लेकर और ब्रिगेडियर तक, ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, मैं जानना चाहता मैं आपके जमीन पर एक-एक जमीन पर चीजें जानता हूं, ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, मैं ब्रिगेडियर साहब मेरे को जानना चाहता मेरे को कश्मीर बहुत अच्छे लगते हैं, जो टेंशन की स्थिति है, कश्मीर सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे वेलविशर हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, कभी आप हमसे गुस्सा मत कीजिए, और आपसे हम उम्र में बहुत बड़े हैं, एक्सपीरियंस है हमारा, ठीक है, ब्रिगेडियर साहब मैं ये जानना चाहता था, ठीक है, ब्रिगेडियर साहब मैं ये जानना चाहता था, कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन है, जो एक्सट्रीमिज्म है, और स्लीपर सेल्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, और लोगों को ब्रेन वॉश भी किया जा सकता है वहां पर आसानी से, जैसे कि किया जाता है, तो इसको बेसिक लेवल पे कैसे रोका जा सकता है, बेसिक लेवल पर प्रॉब्लम कहां है? देखिए, बेसिक लेवल के ऊपर ये सब चीजें वहां चल रही हैं, आपको शायद जमीन के ऊपर चीजों का नहीं पता होगा, लेकिन चल रही हैं, आगे जिस किस्म की एक्टिविटीज होती थी आपको पता है कि अभी वैसी एक्टिविटीज नहीं हो रही है वहां पर, तो इन्होंने अभी नए मॉडल्स अप्रेंडी फॉलो कर रहे हैं, ये होता है, ये जहां पर भी आतंकवादी कार्रवाई होती हैं वहां पर वो ट्राई करते हैं, इन्होंने जैसे मैंने पहले बताया था सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इन्होंने एक्शन किया, दे वर नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, इनको नुकसान हुआ, उसके बाद में इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस को टारगेट किया, इनको सक्सेस नहीं मिली, ठीक है, उसके बाद में इन्होंने सिविलियंस जो मुस्लिम सिविलियंस को या मुस्लिम जो जो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस में थे जो छुट्टी आते हैं या अनआर्म्ड अपने टाइम पर वो घूम रहे हैं उनको टारगेट किया, इनको अभी इन्होंने क्या किया कि किसी ये नई नई चीजें करते रहते हैं, इनका ये मतलब था कि इनको फिर टारगेट किया जाए वहां पर हिंदूज को या जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, ताकि वहां से फिर दोबारा से 90 वाली सिचुएशन आए और वहां से पलायन शुरू हो,
तो ये अभी भारत बहुत पावरफुल कंट्री है और बहुत बड़ी कंट्री है और बड़ी अच्छी लीडरशिप है, यहाँ पे जिस किस्म की लीडरशिप अभी है वो आपको कभी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, वकार साहब, ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हो। अभी मैं उस चीज को जमीन के ऊपर ये सब चीजें हो रही हैं और ये थोड़े समय के अंदर ये सब काबू में आ जाएंगे। ठीक है अमर सर, और जब जब इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, समय के साथ में ये थोड़ी टेम्पररी होता है, एक ब्रेक लगती है उसके अंदर, क्योंकि ये लोग देख नहीं सकते, पाकिस्तान देख नहीं सकता कि 370 हटने के बाद में वहां पर नियर नॉर्मलसी आ रही है, लोग जाना शुरू हो गए हैं, टूरिस्ट वहां जा रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ठीक है ब्रिगेडियर साहब आगे बढ़ेंगे। अब बीजेपी के प्रवक्ता साहब थे हमारे साथ, वैभव अग्रवाल, वो छोड़कर चले गए हमको बीच में, शायद उनको गुड़ दही मक्खन का नाश्ता करने की आदत है, वो नाश्ता शायद उनको मिल नहीं सका, फाइव स्टार की आदत है, अहंकार में चूर थे। नहीं, बिल्कुल रिस्पेक्ट दे रहा हूं मैं उनको, उसी तरीके की बात कर रहा हूं मैं, ये बताना चाहता हूं शायद उनको गुड़ दही घी मक्खन का नाश्ता करवाने की आदत है, पहले जरूरत होती होगी शायद उनको डिबेट में जोड़ने से पहले, उनको बकायदा उनको लस्सी पान कराया जाए, उनको एक फाइव स्टार डिबेट में जोड़ा जाए, उनको जब यहां पर रखा जाए तो सिर्फ उनकी आवाज को उठाया जाए, बाकी सबकी आवाज को दबा दिया जाए। इसके साथ ही 15 साल की जो उन्होंने राजनीति की है वो राजनीति यहां 15 सेकंड में वो बता के चले गए कि उनकी राजनीति किस लिहाज की रही होगी। अगर बीजेपी का कोई भी मीडिया कोऑर्डिनेटर मुझे देख रहा है तो अगर ऐसे प्रवक्ता आपके यहां है तो भैया आपको हाथ जोड़ के नमन है, ऐसे प्रवक्ता आप ही को मुबारक हो। वकार भट्टी साहब, तो अमृत साहब ने तो सीधे कह दिया कि ठीक है इस पर भी नियंत्रण होगा, इस पर भी रोक लगेगी, आप लोग भी जो हैं जो भी वो काबू में आने वाले हैं, समय लगता है लेकिन हो जाएगा। जी बोलिए। पहली बात, बीजेपी के जो प्रवक्ता है ना उनकी हालत यहाँ नहीं, हद देगी ऐसी है। नहीं, वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर शायद नहीं बैठे थे, उन्हें गलत फहमी में किसी ने बैठा दिया, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं लग रहे थे, वो किसी दुकान मिष्ठान भंडार के कोई प्रवक्ता थे, गलती से आ गए थे। ठीक है, आप बोलिए जी। इनके प्रवक्ता अगर बीजेपी के हैं तो संबित पात्रा के साथ भी मैं डिबेट करता हूं, हम लोग झगड़े भी करते हैं और तर्कों पर बात होनी चाहिए, हो जाती है तर्कों पर बात में भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप शो छोड़ के भाग जाएंगे और आप किसी नए एंकर को ये बोल देंगे कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी उनकी खुद की औकात शायद जितनी नहीं है। मैं आपको एक कश्मीर के बारे में एक चीज बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में मैंने ये नहीं बोला कि मैंने आपको पहले नहीं बोला कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला भारत मेरा है, मैंने बोला भारत मेरा है, मैं आज भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। वकार साहब ऐसे बोल रहे हैं तो बड़ी देर से आए, सुनिए भारत मेरा है। ठीक है, मैं सुनिए ना सर, सुनिए, मैं अम्बेडकर जी के भारत को, मैं महात्मा गांधी जी के भारत को, मैं सुभाष चंद्र बोस के भारत को, मैं शफाक उल्ला खान के भारत को, मैं भगत सिंह के भारत की इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और पूरी जिंदगी भर करता रहूंगा, वही तो भारत है। मैं नाथुराम गोडसे के भारत की कभी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, ना मैं उसका हूं, मैं ना मैं उसमें शामिल रहूंगा कभी। ठीक है, ये क्लियर है। अब रही जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर का एक अपना इतिहास है, जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड स्टेट है, ये ब्रिगेडियर साहब को मानना पड़ेगा, क्योंकि उस पार कश्मीर पाकिस्तान के पास भी है और चाइना के पास भी है, और जब तक 1947 से पहला कश्मीर एक नहीं होगा, हमारी लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी और इधर के उधर के दो साइड के कश्मीरी जाने जाते रहेंगे, कश्मीरी मरते रहेंगे, चाहे गोली उस साइड की चले चाहे गोली इस साइड की चले, मरता दो तरफ कश्मीरी। ठीक है, थोड़ी प्रोएक्टिव बात करते हैं। जब तक पाकिस्तान, जब तक हिंदुस्तान टेबल पे नहीं बैठेगा और कश्मीरियों पर फर्स्ट फ्रीक जो कश्मीरी है दो साइड कश्मीरी उसको नहीं बिठाएगा और इस मसले का एक पीसफुल तरीके से एक ऐसा सलूशन नहीं निकालेगा, तब तक किलिंग्स यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई नहीं रोक सकता, चाहे अमेरिका भी यहाँ आ जाए, चाहे चाइना भी यहाँ आ जाए, कोई भी यहाँ आ जाए। मैं आपको बात करता हूं, देखिए प्रोडक्टिव बात करते हैं, थोड़ी सी टेबल पे प्रोडक्टिव बात करते हैं। वकार साहब, है क्या कि कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है वो दरअसल पाकिस्तान प्रायोजित है, बाकी जो हमारे कश्मीरी हैं, जो हमारे जम्मू वाले हैं, वो सब पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारा ही पार्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं। और पाकिस्तान के साथ बात करने की जरूरत क्यों है, पाकिस्तान के साथ तो बात सिर्फ पीओके पर होगी, जब पीओके को वापस दिया जाएगा, कश्मीर पर बात कैसे होगी, क्यों बात होगी, हम क्या उत्तर प्रदेश के लिए पाकिस्तान से बात करेंगे, क्या हरियाणा के लिए पाकिस्तान से बात करेंगे, अमृतसर के लिए पाकिस्तान से बात करेंगे, क्यों बात करें सर, ये दिल्ली में, ये बातें दिल्ली में चलती है, दुनिया में यूनाइटेड नेशन में भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी दोनों ने वादा किया हुआ है कि हम कश्मीरियों को उनका हक देंगे,
ठीक है, कश्मीरियों की लड़ाई जो है ना ये अपनी लड़ाई है, यहाँ कोई पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं है, कश्मीरी खुद अपने वही तो मैं जानना चाहता हूँ, जब कश्मीर में फ्लड आता है, जब कुछ जब कश्मीरियों पर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो यही सरकार, यही इंडियन आर्मी, यही भारतीय सेना जो है उनकी मदद के लिए सबसे आगे पहुंचती है। ओके ओके, तो रूल कौन करता जी? रूल तो भारत ही करता है ना, तो जो रूल करेगा मुल्क वही पहले आएगा आगे, अब दूसरा मुल्क तो नहीं आएगा ना, जिसकी फौज है, जिसकी यहाँ पुलिस है, जिसकी यहाँ सरकार है, वही मदद करेगी आवाम की। हाँ तो मदद, अब दूसरा मुल्क तो मदद करने नहीं आएगा ना, तो झगड़ा किस बात करेंगे? मदद आगे पाकिस्तान ने थोड़ी करनी है, तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा बस सिंपल एक ही बात का है कि यहाँ हमारी जिंदगियों का पीसफुल तरीके से हमें रहने दीजिए, ये जो 90 लाख आर्मी बैठाई है ये यूपी में लेके जाइए। नहीं, आर्मी तो हर जगह है, देखिए सुरक्षा के लिहाज से आर्मी तो हर जगह, वो आपकी सुरक्षा के लिए है, नहीं वो और किसी चीज के लिए नहीं, वो आपकी तो सुरक्षा के लिए। ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब इस पर बेहतर समझाएंगे। नहीं रखना वो आपकी चॉइस नहीं है, आप वहाँ पे हालात को ठीक कीजिए, आप हालात ठीक कीजिए वहाँ पे। आर्मी हमें भी शौक नहीं है जाके अपने घर से दूर रहने का, किसी को शौक नहीं है साहब, ठीक है। वहाँ पर जो आप लोगों ने, आप लोग दोगले हैं, आप ना तो इधर के साथ हो ना उधर के साथ हो, आप फायदा उठाना चाहते हो। आप वहां पर माहौल अच्छा कीजिए, आर्मी को कल विड्रॉ कर लेगी हिंदुस्तान वहां से। आर्मी को वहां कोई शौक नहीं है साहब, मेरे को, मैं भी आर्मी से हूँ, कोई हमें शौक नहीं है वहां जाके बैठने का, ठीक है। बट अगर ऐसी सिचुएशन होगी, आज आर्मी की वजह से जैसे अफगानिस्तान बना है तालिबान, ऐसे आप तालिबान बनना चाहते हैं? आप डू यू वॉन्ट दिस टू बी कन्वर्टेड इन टू ए तालिबान रूल टेरिटरी? ठीक है, आज अगर फौज है तो आप, फौज है तो सर आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है फौज की वजह से, ठीक है। बट ये मत बोलिए, ये फौज कहीं पर भी जहां ट्रबल होगी फौज जाएगी वहां पर। देखिए झगड़ा यही समाप्त है, सेना का और एक आम कश्मीरी के बीच यही बातचीत होनी चाहिए, फौज वहां पर रखी जाएगी जहां जरूरत होगी उसकी। जी बिल्कुल, बकार सुरक्षा के लिए ही तो है, आपकी सुरक्षा के लिए है। सुनिए ना सर, अब सुनिए, जवाब देता हूँ। नहीं, यही तो इनको गलत सारी इंडोक्ट्रिनेशन है इनकी। नहीं, पाकिस्तान गलत, आपको गलत, आपको गलत बरगला रहा है पाकिस्तान। फौज ने आपको नुकसान क्या पहुंचाया है? फौज ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है, अगर पहुंचाया है फौज ने नुकसान तो टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है। नहीं, वो तस्वीरें तो सभी ने देखी, जब फ्लड आए तब इंडियन आर्मी सबसे आगे, जब कोई भी मुसीबत आती है कश्मीरियों के ऊपर तो भारतीय सेना सबसे आगे होती है, हर तरफ से भारतीय सेना सबसे आगे। आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिए, आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिए जी। सर, अगर आप कहते हैं कि जो आर्मी है, जो सेना है, वो आपकी सुरक्षा करने के लिए बैठी है, तो अभी 3 दिन पहले अनंतनाग में एक सुमा ड्राइवर को गाड़ी की बेचारे की ब्रेक पता नहीं लगी, सुरक्षा एक, आप लोग जो गदर करते हो उसका कोई जिक्र नहीं होता। वकार बहुत छोटी है, वो भी आप मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन करते हैं, आपको पूरी खबर नहीं मालूम होती। वकार, वकार, अपराध जो है, वकार जी, वकार जी, बात मैं जो अनकंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में कभी जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है। वकार साहब, आपके आपके वकार साहब, आपने जो जवाब दिया उस पर एक सवाल है, वकार साहब, आपने जो जवाब दिया उस पर एक सवाल है, आप ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, गोरखपुर में एक शख्स की पुलिस वालों ने ही उसकी हत्या कर दी थी, मामला झड़प का था, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस पर हत्या हो गई थी। तो ऐसे में क्या करें, बाकी लोग क्या बंदूक उठा ले, राजद्रोह कर दे? अपराध अंत नहीं है, अपराध कम किया जा सकता है किसी भी तरीके। राम से जवाब सुनिए, राम से जवाब सुनिए, जम्मू कश्मीर में ना 370 के टाइम में हजारों बच्चों को आपने जेलों में डाला था, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। पत्थर चलाएंगे तो पूजा थोड़ी ना होगी, अब पत्थर चलाएंगे तो पूजा थोड़ी ना होगी। अगर वो आप पत्थर चलाएंगे तो उनकी पूजा करेंगे सर? नहीं, पूजा हो, बढ़िया काम कीजिए ना, बढ़िया चीज करिए, मर्जी रखें। अगर आप पत्थर चलाते हैं, भाला चलाना सीखिए, सम्मान होगा। आप पत्थर चला के आप सोचते हैं कि आपकी पूजा होगी, वो नहीं होगी ना। कंट्री भाई, जवाब सुनेंगे सर? ठीक है, पूरी बात सुनने करें ना, पेशेंस रखें ना सर। बात सुनिए, यहाँ अदालतें हैं ना, अगर आप जमहूरी मुल्क में कहते हो ना, जमहूरी मुल्क में अदालतें फैसला करती है सर, आप और मैंने टीवी पर फैसला नहीं करना कि उसने जुर्म किया या नहीं किया, ठीक है सर। मेरे पे 4 केस लगे आज तक सेडिशन के, सुन लीजिए आराम से सुनिए, 4 सेडिशन लगे हैं, 4 के 4 सेडिशन कोर्ट से डिस्चार्ज हो गए, डिसमिस हो गए, मतलब बेगुनाह मुझे जेलों में रखा गया। तो मुझे बताइए, 4 बार जो मैं जेल में गया हूँ, 4 बार जो मेरा लाख रुपया खर्चा हुआ, जो मेरा टाइम तया हुआ, और जो मैं जो मुझे पीड़ा देखनी पड़ी, क्या आप बोले कोई, आपने कोई को गलत काम किया होगा तो आपको किया होगा सर? अच्छा, कोई गलत काम किया होगा तो आपको जेल में डाला होगा?
ठीक है, आपने जो बात कहनी थी आपकी बड़ी भावुक बात थी, मैं उस भावुक सी भावुक से आपके जवाब पर एक सवाल जो मेरे मन में आया वो आपसे पूछ लेता हूँ। पांच जो हमारे जवानों की मौत हुई है जिसमें से एक जेसीओ था, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर, इन पांचों की क्या गलती थी, आप जल्दी से बता दीजिए। मैंने कहा कहा गलती है, गलती तो दिल्ली में बैठे हुए एयर कंडीशन वालों की है, पाकिस्तान के बैठे हुए एयर कंडीशन वालों की है। दिल्ली में कैसे होगी, आप लोग उनके साथ कोलैबोरेट करते हो, आप कोलैबोरेट करते हो उनके साथ में, पाकिस्तानियों के साथ में, टेररिस्ट के साथ में, ओवरग्राउंड वर्कर आप करते हो, आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हो, आप करते हो, और दिल्ली में दिल्ली को क्यों ब्लेम करते हो आप, मेरे को नहीं समझ आया आज तक। हर चीज के लिए दिल्ली को ब्लेम कर दो, हर चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को ब्लेम कर दो, उनको शाह जी को ब्लेम कर दो, महबूबा मुफ्ती रही थी उससे पहले तक एक लीजिएगा, ठीक है, जैसी लीडरशिप है ना दुनिया की, लीडरशिप दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, एक बात समझिएगा, उससे पहले आप महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, इससे पहले जितने लोग रहे, आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने एक बंटवारा बनाने की कोशिश की, इनके खुद के बच्चे तो आज हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कितने ही बच्चे आज उनके कहने पर पत्थर चला चुके थे, वो अब जेल में हैं। सुनिए ना सर, जी सर सुनिए ना, आपको 30 सेकंड चुप रहिए, बिल्कुल ठीक है, बोलिए बोलिए सर का जवाब, ठीक है 30 सेकंड बोलिए। हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर, आपको अगर सेना से प्यार है ना, जो बड़े बड़े देशभक्त बन रहे हैं ना, अमित शाह साहब को बोलिए जो उसका बड़े बड़े देशभक्त नहीं, देशभक्त हैं सर आप लोग, देशभक्त नहीं हो, हर कोई होता है, लोग बागी हो, पेट्रोल में भेजिए आप लोग, बागी हो पेट्रोल में भेजिए, उमर उतारा का बोलिए जितना मर्जी, भारत सरकार ने जितना भी एक पर कैपिटल खर्च होता है इंडिया के अंदर, एक बाकी ब्रिगेडियर साहब उनको भी कह लीजिए, ब्रिगेडियर साहब आपके कश्मीर के अंदर एक कश्मीरी को, ब्रिगेडियर साहब थोड़ा सा लोकतांत्रिक माहौल बनाकर चलते हैं, कहने दीजिए उनको भी अपनी बात रखने दीजिए, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब बोलिए। सर एक बात बताइए, आप तो ब्रिगेडियर थे ना सर, वहां तो डिसिप्लिन होता है क्या, जब नौजवान जवान आप आके बोलता था आप उसको बोलने नहीं देते थे क्या, बोलने दीजिए ना सर, नहीं आप देश के खिलाफ बोलेंगे तो उनको तो सबसे बुरा लगेगा ही, जिसने देश की सेवा की हो, देखिए वकार साहब जिन्होंने इतने साल देश की सेवा की हो उनको खराब लगेगा अगर आप उनके सामने देश के खिलाफ बोलेंगे। बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं, नहीं बिल्कुल, अगर गलत चीज है तो मैं उसको पॉइंट करूंगा, समझ आई बात आपको, बोलने नहीं दो, डिबेट का तरीका सीखिए, बोलने क्या दोगे, बोलिए आप, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ठीक है आप ब्लेम कर रहे हो दिल्ली को, अरे अपनी अपने अपनी अपनी गलती देखिए पहले, आप लोग क्या कर रहे हो उसको देखिए, ठीक है ब्रिगेडियर साहब उनको बोल लेते, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ठीक है करेक्ट मत कीजिए साहब, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अपने आप को करेक्ट कीजिए, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बोले दीजिए बोलिए, थोड़ा डेमोक्रेटिक माहौल बनाकर बोलिए। हाँ जनाब मेरे कहने का मतलब ये है, और मेरे मेरे कैरेक्टर के ऊपर मत बोलिए कि मैं क्या करता था, मैं ब्रिगेड में करता था, बोलने नहीं देता था, वहाँ पे हर एक चीज डिसिप्लिन से होती है, यहाँ पर भी डिसिप्लिन से होनी चाहिए, और अगर स्वाभाविक से बात है देश सेवा की है आपने, कोई भी कुछ भी कहेगा आपको खराब लगेगा, ठीक है उसको हम टोकेंगे, ठीक है ब्रिगेडियर साहब समझ गए, वकार साहब समझ गए, हाँ ठीक है आप बोलिए, वकार साहब बोलिए, मेरी बात सुनिए, जब जब आप कहते हैं ना कि एक गरीब का बेटा LOC पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारा गया, कल 5 फौजी मारे गए हैं, तो मैं आपसे वही बात करना चाहता हूं कि जहां 1947 से आज दिन तक सिर्फ गरीबों के बच्चे ही मरे हैं, उन्हीं की जाने गई हैं, यहाँ पे चाहे साहब ये गलत है आप गलत है सर, आज आज कितने 2-4 हजार ऑफिसर्स मर चुके हैं, समझ आई बात, मैं वहां पर कश्मीर में रहा हूँ 15 साल, मेरे 5 ऑफिसर मेरी यूनिट से मरे हैं, देखिए देश का जवान शहीद हो, देश का जवान शहीद हो, सुनिए वकार साहब, गरीब का बच्चा नहीं, जो इंडियन आर्मी इज लेड बाय ऑफिसर्स और ऑफिसर साहब आगे दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, वकार साहब देश का जवान शहीद हो या कोई भी कश्मीरी शहीद हो, कैजुअलिटीज हुई है ऑफिसर्स की हुई है, राष्ट्र को ही हानि होती है, आप समझिए इस बात को वकार साहब, वकार साहब बीच में आ ही जाते हो, सारी बुरी अरे अमृत साहब ब्रिगेडियर साहब आप रुकिए, ब्रिगेडियर साहब आप रुकिए, ब्रिगेडियर साहब थोड़ा सा बोलने दीजिए, लोगों से बहुत डील किया हुआ है साहब, बहुत डील किया हुआ है, मैंने घंटों लगाए हुए हैं वकार साहब, घंटों आप जैसे लोगों के साथ, ठीक है चलिए लास्ट लास्ट कमेंट लूंगा, ठीक है ब्रिगेडियर साहब आप रुकिए, अब ब्रिगेडियर साहब रुक जाइए, हाँ वकार साहब आप क्या कह रहे थे बताइए, ब्रिगेडियर साहब को पता नहीं मैं क्या कहूँ, आप खुद जाके सोचिए, नहीं आप उससे बात करिए, बताइए चाहते हैं नहीं सुनना चाहते, हाँ बताइए सुनिए मेरी बात, हाँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर, यहाँ जब भी कोई मरा ना, चाहे कश्मीर का नागरिक आम नागरिक हो, चाहे फौज में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे उस पार कश्मीर के लोग हो या पाकिस्तान की फौज के लोग भी हो,
जहां भी मरेगा ना एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग जान देंगे। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना सर, जो इस एयर कंडीशन में रहने वाले होते हैं ना, उनके बच्चे लाइन ऑफ कंट्रोल में आते हैं ना, वो आते जरूर है एक बार पिकनिक के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर करने के लिए दोनों मुल्कों को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप दोनों मुल्क पहल नहीं करेंगे तो दोनों मुल्क कोई नहीं है साहब। आप यही तो है आपकी भी आपकी समय की कमी के कारण यहीं आप दोनों लोगों को रुकूंगा लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होगी तो सिर्फ पीओके पर बात होगी, बलूचिस्तान पर बात होगी, कश्मीर पर बात करने की जरूरत नहीं। क्या हम उत्तर प्रदेश के लिए पाकिस्तान से बात करेंगे? क्या अमृतसर के लिए पाकिस्तान से बात करेंगे? पंजाब के लिए पाकिस्तान से बात करेंगे? अगर उस अन्य प्रदेशों के लिए नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लिए भी नहीं करेंगे। इसमें कोई ज्यादा सामान्य ज्ञान से ज्यादा कुछ हाई रॉकेट साइंस लगती नहीं मुझे। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।